इस नए व्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। यार पिछले 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने के चक्कर में ना हम वीडियो ही नहीं बना पा रहे, व्लॉग ही नहीं बना पा रहे। हमारे को जाना था बाहर घूमने के लिए, क्योंकि जब से हमने ना हेलमेट के ऊपर अपना स्किन लगाया तब से उछल हो रही है कि यार हम जाएँ वीडियो बनाएं, लोगों का फेस का रिएक्शन कैप्चर करें। लेकिन आप ना समझो कि इतना ज़्यादा बुरा हाल है मौसम का, ना जा ही नहीं पा रहे। कोशिश कर रहे हैं कि हमने ना एक ऑर्डर कर रखा है अपना 360 कैमरा, इंस्टा 360 कैमरा, वो भी आ जाए तो फिर प्रॉपर वीडियो बना सकें और आपको लोगों का रिएक्शन कैप्चर करके दिखा सकें। इतनी ज़्यादा बुरे हालत हो रखी है ना, कहीं साला बैठने की जगह नहीं यार। घर में अंदर मेरे वाले रूम में मेरी बेटी और मेरी वाइफ, पूरा कमरा खिलरा पड़ा है। और बाहर की भी आप हालत देख रहे हो, हालत देख रहे हो। कपड़े सुखाने के लिए मम्मी ने डाल रखे हैं, क्योंकि क्या है 2 दिन से बारिश हो रही है बाहर। बालकनी के चक्कर में ना बालकनी में कपड़े नहीं सुखा पा रहे। और हमारे घर में ना ये लड्डू की आदत देखो भाई, इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है ना। लड्डू की हरकतें देखो, ये देखो लड्डू, से हाय, राधे राधे करो सबको, राधे राधे बोलो, राधे राधे लड्डू, राधे राधे बोलो, राधे राधे। और ये लड्डू की दादी बेचारी बड़ी परेशान है काम कर करके। लड्डू, लड्डू की बहन, फिर अब मेरा भी बच्चा हो गया, तीनों को मैनेज करते हैं। बेचारी परेशान हो गई, थक चुकी है बहुत ज़्यादा। और ये देखो, ये हमारा कैंडी, कैंडी भी इतना ज़्यादा परेशान करने लग गए। ये रहा कैंडी, कैंडी से हाय। और देखो विस्की भी आ गया, कह रहा भाई मेरी भी मीटअप कराओ सबके साथ। देखो दोनों भाई, हेलो करो, हेलो, चिपको मत। हमारी गुड़िया देखो क्या कर रही है, ये देखो क्या कर रहे हो आप, पिज्जा खा रहे हो, किसने मंगा के दिया, खाना नहीं खाते। ये देखो आजकल के बच्चे ना भाई पिज्जा खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, खाना खाने से कोई लॉजिक इनको मतलब ही नहीं है। हेल्थ देखो आजकल की इनकी, हम इनके टाइम में भाई इतने हट्टे कट्टे होते थे ना, और इनको देखो इतने सुकड़े सुकड़े से बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि बर्गर पिज्ज़ा मतलब हेल्दी फूड नहीं खाते ये। और बेसिकली आज का जो वीडियो है वो वीडियो ये है कि अभी हम ना तुरंत निकल रहे हैं अपनी बाइक का नंबर लगवाने के लिए। नंबर आ चुका है, जावा से मुझे कॉल आया था कि भैया आपकी बाइक का ना नंबर प्लेट आ चुका है। अभी ना मौसम थोड़ा सा ख़राब है, देखता हूँ कि क्या होता है। बाकी वहाँ जाते हैं, शोरूम जाते हैं, नंबर प्लेट लगवाते हैं और आपको दिखाएंगे अपनी बाइक का क्या नंबर आया है। और वहाँ अगर वीडियो बना सके तो वहाँ वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊंगा आपको नंबर प्लेट लगते हुए। नहीं बना पाए तो सीधा डायरेक्ट अपने घर की पार्किंग में ही आके दिखाऊंगा क्या नंबर उसमें हमने लगवाया है, मतलब हमारे को क्या नंबर मिला है। हम जाने के लिए रेडी हो चुके थे, शॉप पे आ चुके हैं अपनी, लेकिन ना मम्मी और उन्होंने डोमिनोज से पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर रखा था, गुड़िया को खाते हुए देखा ना, तो उन्होंने बोला भैया हम भी ऑर्डर करेंगे, हम पीछे क्यों हटे। तो की चोरी पकड़ी गई। हम ना नीचे उतरे थे शोरूम जाने के लिए और घर वालों ने देखो डोमिनोज से ऑर्डर कर रखा था, मैंने नीचे से उनसे छीन लिया ऑर्डर। मैंने कहा ले आओ भैया मैं खुद ले जाऊंगा। अब ऊपर जाके उनसे बात करेंगे कि उन्होंने हमारे को बताया क्यों नहीं, चल के इनसे पूछेंगे कि भाई साहब इन्होंने हमसे छुपाया क्यों, ये ऑर्डर किसने करा था प्लेस डोमिनोज पे। मैं तो जा रहा था किसी काम से और तुमने डोमिनोज पे ऑर्डर कर रखा था। ये देखो इनकी, ये देखो चोर की दाढ़ी में तिनका कहते छुप छुप के हंस रही है। देखो ये भाई साहब घर वालों की बहुत बुरी आदत है, बिना बताए ऑर्डर करेंगे और बंदे को बताएंगे भी नहीं ताकि ये हम खाना लें। अब बताओ ये 4 पिज्जा ये खा लेंगे अकेले सारे मिलके, बताओ। देखो हमारी दादी जी देख रही है और पीछे से बोल रही है क्या पागलबंदी करता रहता। देखो हेलो बोलो, नमस्ते बोलो, नमस्ते, नमस्ते बोलो दादी जी, नमस्ते बोल रही हैं सारे फ्रेंड्स को। और इंजॉय करते हैं पिज्जा, फिर चलते हैं शोरूम। देखो शैतानी चालू हो गई, लड्डो नहीं करते ऐसे, इसको ये है कि भाई फटाफट खोलो मैं भी खाऊं और सोऊं, क्योंकि इसका सोने का टाइम हो चुका है। देखो देखो छोड़ दे लड्डू, छोड़ दे, नहीं करते शैतानी। भाई कितना पिज्जा ऑर्डर करे हैं, देखो ये स्वीट कॉर्न, ये पनीर और शिमला मिर्च, ये अनियन पिज़्ज़ा, ये दूसरा भी पनीर और शिमला मिर्च, ये तो गड़बड़ घोटाला है। ये कैसे कैसे ऑर्डर कर रहे हैं बहन जी, बताना एक बार
ये देखो कैसे हंस रही है भाई, मतलब इन्होंने मुझे बताया ना अभी, जरूरी नहीं समझा। ये देखो मम्मी भी कैसे हंस रही है, उसका साथ दे रही है मम्मी भी। और लड्डू को देखो, ये अपनी जिंदगी अपना खुद ही इंजॉयमेंट करने पे लगा पड़ा। लड्डू पिज्जा खा लो भाई, पिज्जा पिज्जा आया है। लड्डू पिज्जा खा लो ना, खा लो पिज्जा, नहीं खाना ए। प्लेट लगवा कर आ चुके हैं। रास्ते में हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि गोप्रो वाला जो हेलमेट था वो हम घर पे ही छोड़ गए थे। बारिश का मौसम था, थोड़ी ना बूंदाबांदी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यार हेलमेट का ना कवर ना खराब हो जाए, वजह से गोप्रो वाला हेलमेट तो घर पे छोड़ गए। नॉर्मल हेलमेट पहन कर गए थे और वहाँ भी वीडियो नहीं बना पाए। उन्होंने मना कर दिया था कि भैया शोरूम में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मतलब उनका जहाँ सर्विस सेंटर है उधर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। मैं अब रिवील करता हूँ इस वीडियो में कि हमारा नंबर क्या आया। आप तब तक गेस करो, मैं रिवील करने के लिए जा रहा हूँ। और देखो बाइक की कैसी हालत हो गई, बारिश के चक्कर में ना बहुत कीचड़ था, तगड़ी वाली बुरी हालत हो गई एकदम। और ये रहा अपनी बाइक का नंबर HR87M1561। अगर इसका कैलकुलेशन बताऊं तो 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 1 13, 13 मतलब हमारी बर्थडे डेट, 13 दिसंबर होती है हमारी बर्थडे डेट। यार चॉइस वाला नंबर नहीं लिया क्योंकि ना चॉइस वाला नंबर की 12,000 रुपये की पर्ची कट रही थी, और अभी आपको पता ही है खर्चे कम नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट मंथ मेरी गुड़िया की जो है नामकरण है, चोला बोलते हैं जिसको, तो और उसकी वजह से नहीं बोलेंगे बेसिकली। देखो वो काम भी बहुत ज़रूरी है, दूसरा कैमरा मंगा रखा है, 360 कैमरा मंगा रखा है, तो खर्चे बहुत हैं। इस वजह से यार सोचा कि ना नंबर पे अब भी पैसा वेस्ट नहीं करते। आप लोग अगर ऐसी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते रहें और हमारी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, पैसा जिस दिन यूट्यूब से आने लग गया तो फिर खर्चा करेंगे इन सब चीज़ों पर, अभी के लिए तो कोई खर्चा नहीं करेंगे। तो नंबर प्लेट लगवा के आ चुके थे अपनी शॉप पर, और आज ना शॉप की देखो पूरी सफाई करी, बहुत ज़्यादा ना सामान खिलरा पड़ा था इधर, बहुत ज़्यादा मैसिव सा उधर रखा था, पूरी शॉप को देखो क्लियर कर दिया साफ सुथरा एकदम। पर इतना अच्छा लग रहा है ना शॉप में बैठने का, मन कर रहा है कि हाँ यार। और हाँ हमने अपनी शॉप में देखो क्या किया, पहले हमारे पास छोटी फ़ोटो थी खाटू श्याम जी की, फिर उसके बाद हमारी काली माता की भी फ़ोटो थी, अब हम ले आए बड़ी फ़ोटो खाटू श्याम जी की, बड़ी फ़ोटो ले आए। और कसम से खाटू श्याम जी देखो दुनिया को प्यारे लगते हैं, और भगवान तो भगवान ही ऑब्वियस है, लेकिन एक पूरे संसार में ना खाटू श्याम जी का ही मंदिर ऐसा है जहाँ के दरवाजे पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसका मतलब ये है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, मतलब जो लोग थक चुके हैं कि यार बस अब मैं नहीं कर सकता, अगर वो जाए ना, मतलब जाए तो जा तो कोई भी सकता है, बेसिकली क्या है जो बंदा हारा हुआ जाता है ना उसकी ज़रूर विजय होती है, चाहे वो बीमारी से हारा हुआ हो या काम धंधे से हारा हुआ हो या घर से परेशान हो, मतलब कैसा भी बंदा परेशान हो ना खाटू श्याम जी के यहाँ जाए उसकी ज़रूर मन्नत पूरी होती है। और मैं ज़रूर आप लोग को बोलूँगा कि जो लोग नहीं गए उन लोगों को भी जाना चाहिए एक बार खाटू श्याम, बहुत मज़ा आता है यार। और बाबा के जब दर्शन होते हैं ना दिल खुश हो जाता है, ऐसे लगता है कि भाई सब कुछ मिल गया ज़िंदगी में। मैं 2-3 बार हो आया और दोबारा बहुत टाइम से बना रहा हूँ प्रोग्राम, लेकिन ना बना ही नहीं पा रहा अब। और अभी तो सूदक भी लगा हुआ है, खुशी का सूदक होता है ये बेसिकली। सूदक में क्या होता है, जब घर में बच्चा पैदा होता है ना तो जब तक पूजा नहीं होती उसकी तब तक घर में मंदिर में पूजा नहीं करते, हम मंदिर नहीं जा सकते। तो सूदक ख़त्म होने के बाद अपन जाएंगे खाटू श्याम, और फिलहाल संडे की राइड करेंगे। संडे की राइड में भी बहुत मज़ा आने वाला है, कोई मैंने अच्छी सी जगह सोची है जाने के लिए। अभी तो फिलहाल मैं सोलो ट्रिप कर रहा हूँ संडे की राइड, बाकी देखते हैं संडे की राइड में क्या होता है, कितने बंदे जाएंगे, कौन कौन है, सब बताऊँगा संडे की राइड में। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और बहुत जल्द हम लोग Insta360X3 कैमरा लेने वाले हैं, उस कैमरे का भी हम आपको फुल वीडियो दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल के बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।